is standing at the center of a platform a of length 12 meter you can observe here this is the platform of length 12 meter and this 50 kg man is standing at center of the platform the mass of the platform is 30 kg and coefficient of the friction between the platform and horizontal ground is 0.2 मास ऑफ दिस प्लेटफॉर्म गिवन है 30 के जी और कोपिशेंट फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड ग्राउंड ये गिवन है 0.2 पॉइंट टू मैन इज होल्डिंग वन एंड ऑफ ए लाइट रोप विच इज कनेक्टेड टू ए 50 के जी बॉक्स बी एस सोन इन द फिगर डायग्राम आप फॉलो कर सकते हो मैन ने एक लाइट रोप को हेल्ड करके रखा हुआ जिसका है जिसका दूसरा एंड यहां पर कनेक्टेड है फिफ्टी के जी बॉक्स के साथ द ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ग्राउंड पॉइंट फाइव यहां पर ग्राउंड और बॉक्स के बीच में ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो मूव द बॉक्स एंड इंश्योरिंग हिमसेल्फ डज नॉट मूव रिलेटिव टू द ग्राउंड ये जो मैन यहां पर रोप से हेल्ट किए हुए इस बॉक्स को यह स्लोली पुल करता है इस तरह से पुल करता है कि बॉक्स स्लोली मूव करता है दैट बॉक्स इज स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉक्स अगर स्लाइड कर रहा है तो नेचर ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ग्राउंड शुड बी काइनेटिक और ये बॉक्स स्लोली मूव कर रहा है दैट मीनस देर इज नो एक्सलेशन ऑफ द बॉक्स दैट मीन्स जो टेंशन यहां पे जनरेट होगा वो बैलेंस होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड बॉक्स दूज ऑफ द मैन डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेटफॉर्म कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द मैन टू फॉलो अप द्लेटफॉर्म यहां पर एक कंडीशन गिवेन है कि मैन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है दैट मीन्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन में लगने वाला नेट फोर जीरो होगा साथ साथ यहां पर यह वाली भी कंडीशन गिवेन है कि शूज ऑफ द मैन डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेटफॉर्म जो मैन के शूज हैं वो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करते लेकिन ये भी हमें गिविन है कि कितने टाइम के बाद मैन प्लेटफॉर्म से फॉल कर जाएगा दैट मीन्स देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड मैन और मैन स्लाइड नहीं कर रहा है प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में दैट मीन्स मैन शुड वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म अगर मैन प्लेटफॉर्म में वॉक करेगा The friction between the man and platform should be static in nature. तो so, यहाँ पे man और platform के बीच में जो भी friction होगा वो static nature का होगा. And it is given, assume rope remain horizontal, and coefficient of the friction between shoes and the platform is 0.6. तो so, man के shoes और platform के बीच में जो friction coefficient की value है वो हमलोग को given है 0.6. Okay? तो so, मैं diagram यहाँ पे copy करता हूँ. Next page में ये मेरे पास हो गया diagram. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम दिस बॉक्स सबसे आसान है सबसे पहले एनालाइज करना बॉक्स को तो मैं इसके बॉक्स को एनालाइज करता हूं ओके okay? यहां पे बॉक्स में लगने वाले फोर्सेस को देख लें वेट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय ग्राउंड ऑन द बॉक्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन और टेंशन फोर्स विल एक्ट इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन तो ये हो गया एम वन जी वेट एम गिवेन है फिफ्टी नॉर्मल रिएक्शन टेंशन फोर्स हो गया अब यहां पे बॉक्स इज स्लोली मूविंग दैट मीन नेट फोर्स ऑन द बॉक्स वुड बी जीरो तो फ्रिक्शन हमारे पास होगा यहां पे राइट वाले डायरेक्शन में और ये सर्डनली फ्रिक्शन होने वाला है काइनेटिक ये हमारे पास हो गया F1 की वैल्यू F1 हमारे पास कैलकुलेट हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन है तो F1 वन म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन कर दिया एन शुड बी इक्वल टू एम वन जी एम की वैल्यू 50 50 मल्टीप्लाइड बाई टेन मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट और ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 250 न्यूटन टू फिफ्टी न्यूटन हमारे पास आ गया फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय ग्राउंड ऑन द बॉक्स ओके अब हम लोग बात करते हैं मैन की मैन के बारे में सोचते हैं मैन में लगने वाले फोर्सेस देखते हैं सर्टेनली एक तो वेट होगा सपोज वेट इसका हम लोग मास ले लें एम टू तो एम टू जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो ऑफर करेगी ग्राउंड मैन में दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन एन टू लेते हैं ओके और टेंशन फोर्स यहाँ पे सर्टेनली लगेगा राइट right डायरेक्शन में टी ये टेंशन फोर्स लग गया और अब यहां पे हम लोग को मालूम है कि मैन इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन शुड बी जीरो और मैन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टेटिक नेचर का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो अगर मैन पे नेट फोर्स हमें जीरो करना है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाई द्लेटफॉर्म ऑन द मैन शुड बी इन द लेफ्ट लेफ्ट में हो गई कंसिडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द प्लेटफॉर्म आप प्लेटफॉर्म के फ्री बॉडी डायग्राम को कंसिडर कर लेट ऑफ द प्लेटफॉर्म मास इसको एम थ्री ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो गया वेट एम थ्री जी ओके नॉर्मल रिएक्शन इसका मैंने रिएक्शन पेयर बना दिया नॉर्मल रिएक्शन हो गए नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड जो ऑफर करेगी एन थ्री मैंने लिख लिया अब फ्रिक्शन फोर्स जो एफ टू लग रहा था मैन में वो लग रहा था लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन में तो इसका रिएक्शन पेयर लगेगा राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में एफ टू ओके ये हो गया राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में अब यहां पर प्लेटफॉर्म में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स ये जो एफ टू फोर्स होगा इट विल ट्राई टू मूव प्लेटफॉर्म इन द राइट वर्ल्ड डायरेक्शन अगर हमें इसके फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है तो हम लोग मेंटली प्लेटफॉर्म no no तो यहाँ पे इसकी मोशन टेंडेंसी हो जाएगी राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन और मोशन टेंडेंसी दैट मीनस फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड ग्राउंड ऑन द प्लेटफॉर्म विल बी इन द लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन इसको मैं लेता ले हूं एफ थ्री एफ थ्री की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो दिस शुड बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन थ्री एंड एन थ्री इज इक्वल टू एम थ्री जी प्लस एन टू तो हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एफ थ्री एम थ्री की वैल्यू हम लोगों को मालूम है थर्टी ओके okay? एन टू की वैल्यू ये हमारे पास है 50 तो 30 प्लस फिफ्टी मल्टीप्लाईड बाई टेन और म्यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम थ्री मैग्स दिस इज वन सिक्सटी न्यूटन हमारे पास इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई 160 सिक्सटी न्यूटन आ गई ओके अब हमें मालूम है कि जो ब्लॉक है या बॉक्स है बॉक्स इज मूविंग स्लोली इफ इट इज मूविंग स्लोली देन टी शुड बी इक्वल टू एफ वैल्यू सर्टनली एफ वन के बराबर होगी इसको इक्वेट कर लेते हैं दैट टू फिफ्टी न्यूटन यहां न्यूटन हमारे पास टी की वैल्यू आ गई नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ओके हम लोगों को मालूम है कि ये हमारे पास मैन जो है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है दैट मीनस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन शुड बी जीरो अब यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो टू वैसे तो 250 न्यूटन आना चाहिए अगर नेट फोर्स यहां पे जीरो है लेकिन एक बार इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो टी की वैल्यू है ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स जो ऑफर करेगा ग्राउंड मैन के शूज में उससे कम होनी चाहिए सो लेट लेटस्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय ग्राउंड ऑन द मैन इसको एप मैक्स लिख लेते हैं ज म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन और ये कैलकुलेट होने के बाद आ गई थ्री हंड्रेड न्यूटन दैट मीन टी की वैल्यू थ्री हंड्रेड न्यूटन तक पहुंच सकती थी लेकिन यहां पर न्यूटन है ये फ्रिक्शन है स्टैटिक नेचर का सेल्फ एडजस्टिंग होगा दैट मींस यहां पे हम लोग कह सकते हैं एफ टू की वैल्यू मैग्सिम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तक रीच नहीं करी हुई है और एफ टू की वैल्यू हो जाएगी टू न्यूटन सो वी कैन राइट एफ टू इज इक्वल टू टू फिफ्टी न्यूटन यहां पर वैल्यू आ गई एफ टू की टू फिफ्टी न्यूटन में यहां पर लिख लेता हूं ओके okay? अब हमें फ्रिक्शन फोर्स टू की वैल्यू मालूम हो चुकी है हमें F3 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी मालूम है नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑफ द प्लेटफॉर्म अब हम लोग एक्सलेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म कैलकुलेट करने की पोजिशन में है और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से अगर इक्वेशन देखें तो एफ थ्री की वैल्यू है वन सिक्सटी दिस इज टू फिफ्टी न राइट एफ टू माइनस एफ थ्री दैट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड तो एफ टू माइनस एफ थ्री इक्वल टू थर्टी मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन लिख देंगे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज तो हमें मालूम हो चुकी है यहां पर रख देता हूं मैं ये वैल्यू हमारे पास आई थी टू फिफ्टी ये वैल्यू वन सिक्सटी एक्सलेशन की वैल्यू आ गई कैलकुलेट कर लेंगे तो आगे हमारे पास थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर

Sangez India has launched the new edition of our G Advanced Physics books. Please visit www.sangez.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.